परसो परेश किधर है यार? परशुराम ए उठना यार। परसो ए अकल जल्दी उठ। परसो मेरे भाई जल्दी अकल। परसो अकल उठ जा। आज के बाद जिंदगी में कभी नहीं पीऊंगा। क्यों मुझे गोद में लिया? माया चली गई क्या? हमें यहाँ से चलने से निकलना होगा। मेरा सिर चकरा रहा है। ये गंदा चाय। कुछ छूना मत। निकल यहाँ से। रुक मुंह धो के आता हूँ। माया कितनी खूबसूरत थी ना? उसकी खूबसूरती का नशा भी दिमाग में चढ़ा है। और कौन सा ब्रांड था जो इतना चढ़ गया? अरे तुझे चोट लगी क्या? देख खून निकल रहा है। हाँ? इतना सारा खून कहाँ से है? परेश, यहाँ रुकना सेफ नहीं होगा। ये क्या हो रहा है? बाथरूम में गन है यहाँ? सवाल मत कर, चल चल। क्या हो क्या रहा है? तुम बता तो सही, माया कहाँ है? चल। और हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हेलो इंस्पेक्टर। सर यही है वो आदमी। क्या हुआ सर? परेश अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं हूं ना तेरे साथ। अभी तो मौज कर ले। तुम में से सुगन कौन है? कान के नीचे तू तब बोलेगा? मैं हूं सर। तुम्हारी गैंग में कितने लोग हैं? हम दो ही हैं सर। बता यहाँ कितने लोग थे? सर यहाँ हम दोनों ही थे, लेकिन सर हमने कुछ नहीं किया। बता कितने लोग थे? कहाँ गए वो? गए नहीं सर, चली गई। क्या कहा? चली गई? हाँ। वरदराजन औरत के भेष में आया था क्या? वो यहाँ नहीं आया सर, माया नाम की एक लड़की हमें यहाँ लेकर आई थी। तो वरदराजन कहाँ है? पता नहीं सर। पता नहीं साले, किसी भी सवाल का ठीक से जवाब पता नहीं है। सर मैं सच बोल रहा हूँ। रूम तेरे नाम पर बुक है, वरदराजन को ले जाते हुए सीसीटीवी की फुटेज भी, उसके बाद भी कहते हो तुम्हें नहीं पता? हम सच बोल रहे हैं सर। अबे तेरे सच की तो। ये सर, आप संपत सर को इन्फॉर्म कर दीजिए कि हमने दो सस्पेक्ट्स पकड़ लिए, मैं इनका मुख खुलवाता हूँ। हाँ बोलो दिनकर, रिसॉर्ट पहुँच गए? मैं रिसॉर्ट में ही हूँ सर। कुछ पता चला? कल रात को वरदराजन यहाँ आए थे। क्या हुआ? रूम उनके नाम से बुक है क्या? नहीं, सुगन के नाम से बुक है सर, और उनके यहाँ आने की वजह अभी तक पता नहीं है सर। सस्पेक्ट हमारे सामने है सर, एक का नाम सुगन है और दूसरे का नाम परसु। सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि सुगन ही वरदराजन को लेकर कहीं गया है। काफी देर से पूछताछ कर रहे हैं, कुछ बताने को तैयार नहीं है। ये कोई मामूली केस नहीं है। जानते हो कौन मिसिंग है? वरदराजन। जी हाँ सर। मुझे सच जानना है, जो करना हो करो। ठीक है सर। जरूरत पड़े तो थर्ड डिग्री का इस्तेमाल करो, हर छोटी से छोटी चीज हमारे काम आ सकती है। हालत में वरदराजन को ढूंढना होगा। सर चुगलवाओ उनसे। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्या बात है संपत, सब ठीक तो है ना? दो सस्पेक्ट पकड़े गए हैं, विल सी। ओह ग्रेट। कुछ पता नहीं है सर। तुम्हारे नाम पर बुक है, वरदराजन को ले जाते हुए सीसीटीवी की फुटेज भी है, फिर भी कहता तेरे को नहीं पता। बोल बोल। नहीं सर। सर बोल। आप हमसे पूछने वाले कौन होते हैं सर? इतने सालों की नौकरी में आज तक मुझसे इस तरीके का सवाल किसी ने नहीं किया। जान ले लूंगा तेरी। शांति से बैठ कर बात कर लेते ना, पुलिस को मत मारो। जल्दी से रस्सी खोल। पुलिस पर हाथ मत उठाओ। अबे बहस मत कर, जल्दी रस्सी खोल। प्लीज रस्सी खोल दे। ऐसा करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे मेरे बाप, प्रॉब्लम ऑलरेडी हो चुकी है, रस्सी खोल। पुलिस हमारा एनकाउंटर कर देगी। अगर नहीं भागे तो एनकाउंटर कर देंगे। पुलिस ने हाथ उठाया। परसों क्या है?
सुगन 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 उठ सुगन तू ठीक है ना? ओके ओके पहले मेरी रस्सी खोला तूने कितने पुलिस वालों को मारा वो हर जगह तुझे ढूंढेंगे जी सर कितने आदमी थे हम तीन लोग थे सर इधर भी पुलिस है उधर भी पुलिस है कहाँ जाए अटक गया क्या कितनी गंदगी है मैं अंदर से चेक करता हूँ साफ करो साफ करो रुक बे तो फिर हम खुद गए थे उस रूम में नहीं उसने हमें बुलाया था कहाँ है वो पता नहीं ये सब एक साजिश है पहले हमारे नाम पे रूम बुक होता है फिर माया गायब हो जाती है अब कह रहे हैं कि वरदराजन को मैंने कहीं छुपाया वरदराजन और हमारे बीच में क्या कनेक्शन है उसके बारे में हमसे सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं जरूर कुछ तो गड़बड़ है इतनी कम हाइट का पुलिस वाला देखा है कभी नहीं जरूर वो नकली होगा ये सब एक साजिश है सब मेरी गलती है मेरे साथ ही होना था तुम्हें पुलिस को नहीं मारना चाहिए था मारा पप्पा बोले पुलिस अपना दोस्त हो दिखने में टाई लग रही है पूरा खोल शिट ये तो वरदराजन है इसको ये क्या हो गया इस डिक्की में कैसे आया इसके शर्ट पर खून है सर सर ये तो मर चुका है तूने मार दिया नहीं मैंने नहीं मारा था हमारा खेल खत्म हो गया नहीं हम बर्बाद हो गए तूने इसे मार दिया तूने नशे में मार दिया कुछ पता चला नहीं सर बोलो कहाँ है लगता है प्लान बना कर आए थे वरदराजन आज तक उस रिजॉर्ट में नहीं रुके अपने गेस्ट हाउस में रुकते थे सर उन्हें इसी कमरे में रखा गया था ये सब कैसे और क्यों हुआ ये कोई नहीं जानता ये रूम सुगन के नाम से बुक था बेडशीट के फोटोग्राफ निकालिए रात भर वो यही थे इस ग्लास पे फिंगरप्रिंट्स है वरदराजन और उन दोनों के बीच में हाथापाई हुई ग्लास को संभाल कर रखिए कमरे में बुलेट और खून के निशान पाए गए बुलेट का मार्क है मैंने सारे एविडेंस इकट्ठे कर लिए और कंफर्म है वरदराजन का खून सुगन और परसू ने किया है वेट अ मिनट मुझे एक डाउट है यहाँ सिर्फ एक ही आदमी वापस क्यों आया उनमें से एक नशे की हालत में होगा दूसरा उसे बचाने आया और हमें मार के भाग निकला ओह तुम लोगों को और कोई डिटेल मिली है क्या उनमें से एक का नाम सुगन है और दूसरे का परसू दोनों चेन्नई में रहते हैं वो दोनों वरदराजन के ट्रैक्टर कंपनी के शोरूम में एम्प्लॉइज हैं कल तो अंबूर वसावी में उनके नए शोरूम का उद्घाटन था यस सर सर उन दोनों में से वरदराजन को ले जाने वाला एक किडनैपर सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो चुका है सीसीटीवी रूम कहाँ है ए जरा फ्रीज करो कैमरा नंबर 1 को रिवाइंड करो हाँ यहाँ फ्रीज करो मैं इस लड़के को जानता हूँ ये उसी शोरूम में काम करता है और वरदराजन उसी शोरूम के ओपनिंग में आए थे आर यू श्योर वेरी श्योर अबाउट इट वेल ओके इन सारी वीडियोस की एक कॉपी मुझे ओके सर सर मुझे अच्छी तरह याद है कल सुबह ही सुगन ने मिस्टर वरदराजन का इंटरव्यू लिया था उसे वरदराजन की डिटेल में जानकारी थी
और वो उनसे बहुत ही फ्रेंडली वे में बात कर रहा था। एक काम और करो। हाँ। उन दोनों के बारे में सारी जानकारी हासिल करो। ओके। पूरे अंबूर में सिक्योरिटी बढ़ा दो। हाँ। उनकी कार और उनके मोबाइल को ट्रेस करो। श्योर सर। वो दोनों बचकर जाने नहीं चाहिए। हाँ। ठीक है। यस सर। यस सर। राइट सर। एक्सक्यूज मी। हाय रियाज, कैसे हो? दिल्ली में हो? इस वक्त अंबूर में हूँ। अंबूर में? हाँ, एक केस के लिए आया था। मिस्टर वरदराजन किडनैप हो चुके हैं। क्या बात कर रहे हो? मामला कुछ ज्यादा सीरियस हो गया है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। बोलो। उन्हें किडनैप करने वाले दोनों लड़कों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था, लेकिन वो भाग निकले। तुम इन्वेस्टिगेट करोगे? हो जाएगा। वैसे तुम इस केस में क्या कर रहे हो? ग्रेनाइट माइनिंग स्कैम के मेन अक्यूज्ड वरदराजन को अरेस्ट करने आया था, लेकिन केस ने कुछ अलग ही मोड़ ले लिया। इंक्वायरी पूरी होने पर मुझे फोन करोगे? नहीं, मैं तुम्हें फोन करता हूँ। ओके रियाज। उस रात क्या हुआ था? हम बिरयानी शॉप गए थे। हाँ। वहाँ एक लड़की दिखाई दी। हमने उसे फॉलो किया। उसके बाद उसके रूम पे। हाँ। उसने हमें इनवाइट किया। हाँ हाँ याद आया। हमने वहाँ ड्रिंक्स ली, गाना भी गाया। किसी ने दरवाजा खटखटाया। उसके बाद हम बाथरूम में जाकर छुप गए। वहां हमने और ड्रिंक्स ली। और उसके बाद? हाँ, तू याद कर, याद कर। सही जा रहा है। फिर क्या हुआ बोल? याद कर, याद करने की कोशिश। कुछ याद नहीं आ रहा। पहले हम बिरयानी खाने जाते हैं, वहाँ एक लड़की दिखती है। फिर किसी ने हमारे सर पे हथौड़ा मारा, फिर हम दोनों सो गए थे। ए, रिपीट टेलीकास्ट बहुत हो गया, आगे क्या हुआ था ये याद करना। ओके ओके। सुगन, मैं बताता हूँ वहाँ क्या हुआ था। तू नशे में था और माया के लिए वरदराजन को मार दिया। मेरी और मेरी रहेगी। गुड बाय राजन। अबे मैं क्यों उसे मारूंगा? नहीं नहीं ठीक है, तूने नहीं, मैंने उसे मारा। कौन कहता है कि कॉमेडियन ये लंग तो नहीं मार सकता? हाँ ये क्या बोल रहा है? नहीं यार, ना तूने किया ना मैंने किया। क्या हमने रूम बुक किया? नहीं किया। ये उस लड़की का काम। बुड्ढे के लिए मैं अपनी जवानी बर्बाद नहीं करूंगा। अरे सुनना, सैम का फोन है। इसका फोन कहाँ से आ गया? शायद इससे कुछ पता चले। उठा। हेलो। हाँ हेलो, इस वक्त मैं अंबूर में हूँ। जो स्पेयर पार्ट्स मंगाए थे वो किसको डिलीवर करना है? ए, एमडी का है। स्पेयर पार्ट्स को गोली मार, मेरी बात ध्यान से सुन। उससे ज्यादा जरूरी और क्या हो सकता है? ए, एक मिनट रुका। एमडी का है? अंदर है, अंदर। हाँ बोल तू। एक बात बता, अगर एक बॉडी तेरे हाथ लग जाए तो तू उसका क्या करेगा? क्या कहा, बॉडी? कार की बॉडी या ट्रैक्टर की बॉडी? अगर कार चोरी की है तो उसके स्पेयर पार्ट्स अलग करके चोर बाजार में बेच डालेंगे। सुन, डेड बॉडी है। किसकी बॉडी है? सवाल मत पूछ, अब क्या करें ये बता। किसी पहाड़ से नीचे फेंक दो, ऐसा लगना चाहिए कि सुसाइड है, कोई तुम पर शक भी नहीं करेगा। मस्त है ना आइडिया? थैंक यू मेरे भाई। कोई और टेंशन हो तो फोन करना। सुगन तेरा दोस्त है क्या? क्लोज फ्रेंड, वेरी वेरी क्लोज फ्रेंड। एनी प्रॉब्लम? हम दोनों के अलावा कोई नहीं जानता कि वरदराजन मर चुका है। अगर हम बॉडी को पहाड़ से फेंक दें तो बॉडी मिलने पर लोग यही समझेंगे कि सुसाइड है। हाँ, फिर तो सब ठीक हो जाएगा। क्यों नहीं होगा, हम सैम के आइडिया पर ही काम करते हैं। हाँ। अगर कोई हमसे पूछेगा तो कह देंगे कि वरदराजन हमारे साथ आया था पर बाद में बिना बताए कहीं चला गया। पुलिस को भी हम यही स्टोरी सुनाएंगे, समझ गए? हाँ, लेकिन बॉडी को पहाड़ से फेंकते वक्त अगर किसी ने देख लिया और पुलिस कंप्लेन कर दी, पुलिस ने हमें पकड़ लिया और हमें फांसी मिल गई तो? मेरे दोस्त, आई लव यू सो मच। आई लव यू टू। तो फिर अब क्या करें? क्या करें? एक आइडिया आया दिमाग। एक बड़े से गड्ढे में लाश को दफना देते हैं, लेकिन अगर पुलिस कुत्ते को लेकर आई और उस कुत्ते ने वो बॉडी ढूंढ ली फिर क्या होगा पता है? हमारा हाल भी वही होगा जो गली के कुत्तों का होता है। बाय बाय सिस्टर। जी जी, बाय बाय। अगर कहो तो बॉडी को जला देते हैं। हम बॉडी को जलाएंगे, अगर हड्डियों का डीएनए टेस्ट हुआ और उन्हें पता चल गया कि ये बॉडी वरदराजन की है। अरे हम चाहे जो भी कर ले, फांसी पर चढ़ना तय है।
मेरी बहन की शादी होनी बाकी है। सुगंध तू चिंता मत कर, मुंह छूने तूने जो खून किया ना उसका इल्जाम मैं खुद पे ले लूंगा और तुझे बचा लूंगा। प्लीज प्लीज मैं इल्जाम भी नहीं जानता, कौन है ये? मैंने इसको कभी नहीं देखा। उसका कारण है मर गया। इधर आ, डॉक्टर की गाड़ी से चल, इसका हाथ पकड़ ठीक से। चीनू का फोन, कहाँ हो तुम लोग? पुलिस तुम्हारा फोन टैप कर रही है, शायद तुम्हें अब तक ट्रेस कर चुकी होगी। क्या कहा तुमने? क्या पुलिस को शक है कि वरदराजन की किडनैपिंग के पीछे इन्हीं दोनों लड़कों का हाथ है। इस किडनैपिंग ने पुलिस डिपार्टमेंट के सभी दावों को गलत साबित कर दिया है। मैं सिर्फ यहाँ तक की कहानी जानता हूँ, इसके बाद क्या होगा मैं भी नहीं जानता और आप भी नहीं जानते, तो चलिए देखते हैं क्या होता है।